लिस्ट होने के कारण सबकी समझ में ना आए, तो हमारा प्रयास ये होगा कि हम बोलचाल की भाषा में GSTR2 को किस तरह से, GSTR2 के कैसे फीचर्स हैं और उसको किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। हमारा विशेष उद्देश्य यहाँ पर ऑफलाइन टूल के द्वारा GSTR2 को तैयार करना है। और मेरे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री राजेश कुमार सिंह जी भी हैं, जो कि GSTN में उपाध्यक्ष हैं, बिग डेटा देखते हैं ये। और मैं पंकज अरोड़ा, मैं आउटरीच और कैपेबिलिटी बिल्डिंग सेगमेंट में मैं सीनियर मैनेजर हूं। आपका स्वागत है, हम ये वेबिनार शुरू कर रहे हैं। यहाँ हम जो चर्चा करेंगे, हम ये देखेंगे कि GSTR2A और GSTR2 के बेसिक फीचर्स क्या हैं और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए GSTR2 को फाइल करने से पहले। साथ ही हम ये देखेंगे कि GSTR2 ऑफलाइन यूटिलिटी, जो कि जहां पर डेटा बहुत सारा कैप्चर करना होता है बड़े डीलर्स के केस में, तो उसमें किस तरह से ऑफलाइन टूल यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सुगमता से। ऑफलाइन टूल में तैयारी करने के लिए आपको किसी इंटरनेट नेटवर्क की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप तैयार करने के बाद उसके बाद नेट से कनेक्ट होते। और मेरे वरिष्ठ जो है श्री राजेश कुमार सिंह, आपको GSTR2 की तैयारी के लिए जो ऑफलाइन टूल के द्वारा तैयारी करनी है उसका ये डेमो भी देंगे, ताकि आप व्यावहारिक रूप से देख पाए GSTR2 ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा किस तरह से तैयार किया। मगर साथ में हमने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि विगत समय में GSTN को जिस तरह की व्यावहारिक कठिनाइयों का जो रिपोर्ट की गई है GSTR2 से संबंधित, हमने कोशिश की है कि अपने प्रेजेंटेशन में हम उन सभी व्यावहारिक दिक्कतों का व्यावहारिक समाधान आपको बता सकें। और हम कुछ क्वेश्चंस भी आपके लेंगे, शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, हम ये जानते हैं, देखिए GSTR2 है पेमेंट जो रिवर्स सप्लाई है, और इसके अलावा जो अपनी खरीद से संबंधित जितने भी इसमें डिटेल है उसमें एंटर हम कर सकते हैं, साथ में हम डिक्लेयर करते हैं और हम ये बताते हैं कि ये जो सामान या सेवाएं हमने प्राप्त की हैं, ये इसके ऊपर हमें कितना ITC क्रेडिट अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम ये भी गणना करते हैं कितना हमें इसमें ITC क्रेडिट हमें वापस करना पड़ता है, जो कि आउट ऑफ बिजनेस पर्पस के लिए या फिर कॉमन सर्विसेज के लिए, सब चीजों के लिए हमने यूज किया हो, जो कि वापस करने के। राजेश सर, अभी भी आपकी तरफ से इको आ रहा है, तो आप एक रजिस्टर्ड नॉर्मल डीलर के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन GSTN के साथ हो। स्पीकर ऑफ करो। साथ में हम यह देखें कि एक्टिव GSTN नंबर जो है आपके पास हो और आपके वैलिड क्रेडेंशियल्स आपके पास होने चाहिए, यूजर आईडी और पासवर्ड। साथ में हमें यह भी देखना है कि अगर हम GSTR2 हम फाइल कर रहे हैं तो कंपनीज और LLPs तथा फॉरेन LLPs के केस में उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर DSC के माध्यम से, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से करने हैं, और इसके लिए रिसीवर टैक्स पेयर के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि जो भी साइन करने से संबंधित, अगर EVC से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से संबंधित है, तो उसमें ये इसका लिए जो OTP जनरेट होता है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ये जाने कि GSTR2 से पहले जो भी उस करदाता ने जो भी परचेज किया है इनवर्ट सप्लाई और गुड्स के रूप में, वो GSTR2A स्टेटमेंट में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। मगर इसके लिए जरूरी यह है कि संबंधित जो सप्लायर है टैक्स पेयर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर।
Pankaj sir, please carry on. We are able to hear your voice properly now. Please carry on. It's clear. GSTR 2 A में आपके द्वारा जो भी आपने टैक्स का भुगतान करके अपने सप्लायर से जो भी आपने गुड्स या सर्विसेज को परचेज किया है, अगर वो सप्लायर ने अपने GSTR 1 में उन सप्लाई इनवॉइसेस को अगर सेव किया है तो आप उसको GSTR 2 में देख पाएंगे। साथ ही अगर उस सप्लायर टैक्स पेयर ने अगर सप्लाई इनवॉइसेस के डिटेल को GSTR 1 में विधिवत भरकर सबमिट किया है या फिर GSTR 1 फाइल किया है तो आपसे द्वारा प्रोक्योर किए गए, आपके द्वारा रिसीव किए गए सभी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज का डिटेल अपने आप ही ड्राफ्ट रूप में ऑटो पॉपुलेट होकर आपको GST पोर्टल के आपके रिटर्न डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा। मगर साथ ही ये बात ध्यान रखने वाली है कि GSTR 2A स्टेटमेंट जो है इसमें आप कोई कार्य नहीं कर सकते, यह रीड ओनली डॉक्यूमेंट है। इसको आपको GSTR 2 के द्वारा इसकी जो इसमें जो विवरण है वो आप GSTR 2 में उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। GSTR 2A अपडेट कैसे होगा? GSTR 2 अपडेट करने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि GSTR 2A में केवल आप व्यू कर सकते हैं और ये जैसे जैसे सप्लायर टैक्स पेयर अपने सप्लाई इनवॉइसेस उसके पर चढ़ाते हैं अगर, तो आपको बीच में भी इसको देख सकते हैं कि कौन सी सप्लाई इनवॉइसेस आपके GSTR 2 में दिखलाई दे रही हैं। क्या टैक्स पेयर्स को ये जो नॉर्मल और कैजुअल के रूप में टैक्स पेयर्स के रूप में जो यहाँ पर पंजीकृत हैं GSTN के साथ, उनको GSTR 2A ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा उस सप्लाई उस GSTR 1 के बेसिस पर जो कि सप्लायर टैक्स पेयर ने सेव किया है। नहीं कर पाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको आप डाउनलोड करके GSTR 2 में आप जब लाते हैं तो GSTR 2 में उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। इसका जो फ्लो चार्ट है, आप वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ GST होम पेज पर आप अपने क्रेडेंशियल साथ लॉगिन करते हैं, मेन्यू में आप रिटर्न सेलेक्ट करते हैं और रिटर्न डैशबोर्ड की कमांड फाइल रिटर्न पेज डिस्प्ले होता है उस ईयर तथा मंथ की उस महीने की जिसका टैक्स पीरियड आप फाइल करना चाहते हैं उसको ड्रॉप डाउन वैल्यू में सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जब आपको GSTR 2 रिटर्न का टाइल दिखाई देता है तो आप उस ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल जिसमें है आप उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके डाउनलोड वाले वो हो जाता है। इसके साथ ही जो इनरोड पेज आपको डिस्प्ले होता है, मगर मैंने जैसे कि पहले बताया कि GSTR 2A में जो रिसीवर टैक्स पेयर है उसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, मगर वो अपने रिकॉर्ड से उसका मिलान कर सकता है और बाद में उसको GSTR डाउनलोड करके प्रिस्क्राइब एक्शन है वो ले सकता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा प्रिस्क्राइब एक्शन क्या क्या होते हैं, मगर इसके ये मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि लगभग 20 मिनट भी अगर आप काफी वॉल्यूमनस डेटा है जो डाउनलोड करना है GSTR 2 में तो लगभग 20 मिनट का समय भी लग सकता है, इसीलिए आपको धैर्य का परिचय उस समय देना पड़ेगा। इसमें विशेष जो मैं जल्दी से एक ओवरव्यू के रूप में आता हूं कि कौन से डिटेल्स हैं जो आपको GSTR 2 में देने हैं, साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूंगा कि व्यवहारिक जो हमें प्रश्न मिले हैं कि कौन से विवरण किस डेटा में डालने हैं, तो
तो एक तो ये बता दूं कि GSTR 2A2 में आपको जो ऑटो पॉपुलेट होगा वो इनवर्ट सप्लाई इनवाइसेस होंगी, कि जो भी आपने इनपुट या इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स आपने रजिस्टर्ड पर्सन से लिए हैं तो वो गणना, वो उसका विवरण आपको उसमें उपलब्ध होगा। और साथ ही इसमें ये इंश्योर करना होगा, इसमें आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिन सप्लाईज के ऊपर रिवर्स चार्ज में आपके ऊपर कर देता है वो भी इसी टाइल में आए। उसके अलावा दूसरा है इसमें कि आप इनवर्ट सप्लाई इनवाइसेस जो कि इनपुट इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड से आप लेते हैं सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर से, उस पर आपका रिवर्स चार्ज। साथ ही अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो, क्योंकि आप जुलाई का रिटर्न, यहाँ जुलाई माह का रिटर्न भर रहे हैं, उस वक्त अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो प्रिस्क्राइब 5,000 रुपये पर डे की जो लिमिट थी उसके अलावा और कोई एग्जम्पशन नहीं था, तो जुलाई के माह में आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो भी आपने कर अदा के बाद कर योग जो भी आपने सर्विसेज ली हैं उसके ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस में आपको टैक्स पे करना है। साथ ही इम्पोर्टर सर्विसेज का डेटा हम GSTR 2 में देते हैं। और इसके अलावा जो भी ओवरसीज, मतलब जो बाहर से जो सामान विदेशों से इनपुट्स या कैपिटल गुड्स रिसीव किए हैं या फिर SEZ यूनिट के थ्रू रिसीव किए हैं, उसका हम विवरण GSTR 2 में देते हैं। इसके साथ ही अगर कोई हमने पुराने क्रेडिट डेबिट नोट्स इशू कर रखे हैं, यहाँ पर क्योंकि ये जुलाई 2017 का रिटर्न आपका पहला रिटर्न है, तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको इस वाली टाइल पे कोई काम नहीं करना है जो डेबिट नोट से संबंधित है। मगर जब आप अगस्त, तो अगर जुलाई और अगस्त, जुलाई या प्रति जो GST एरा में जितने भी आप डेबिट और क्रेडिट नोट में कोई अमेंडमेंट आपने किया है तो उसकी गणना आने वाले रिटर्न में उसमें देंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है उसके द्वारा जो सप्लाई हमें हुई है उसके लिए अलग टाइल है। उसके अलावा जो एग्जेम्प्ट है, नील रेट ऑफ ड्यूटी है या GST के दायरे के बाहर आने वाली चीजें हैं, उसका भी विवरण हमें GSTR 2 में देना होता है। इसी के साथ अगर हमने कोई एडवांस पे किया है या हमने एडजस्ट किया है जो कि हमारे द्वारा प्रोक्योर की जाने वाली, हमारे द्वारा ली जाने वाली सेवाओं या गुड से संबंधित है, उसका भी हम एडजस्टमेंट इसमें, तथा जो एडवांस टैक्स पे किया है उसका हम एडजस्टमेंट इस रिटर्न में करते हैं। इसके अलावा कुछ व्यावहारिक इस तरह के रूल्स हैं, ITC रूल्स, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न विभिन्न मदों में रूल्स के अनुसार, आपके उपयोग के अनुसार जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना होता है, या फिर कई बार आप रिवर्स कर चुके हैं पर आप रिक्लेम कर अगर आपको एडमिट बिल है तो उसकी भी आप जो विवरण GSTR 2 में देते हैं। तो participants, there seems to be some connection issue with the speaker system. Sorry for the inconvenience. We would be with you shortly in a minute. Please bear with us.
ये क्षमा कीजिएगा, कुछ तकनीकी कारणों के कारण हमारा प्रसारण प्रभावित हुआ था। हम फिर से लाइन पर हैं, कृपया लाइन पर बने रहिए, धन्यवाद। तो यहाँ ये देखना है कि कौन कौन सी एक्शन जो रिसीवर टैक्स पेयर है वो ले सकता है और किस किस चीजों में वो कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो यहाँ की जो रिसीवर टैक्स पेयर है वो सप्लायर का GSTN नंबर नहीं चेंज कर सकता। इनवॉइस नंबर में अगर कोई कमी है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, और पॉइंट ऑफ सप्लाई को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता इनवॉइस डिटेल से। और अगर इस तरह के आपके साथ इस तरह के इश्यूज हैं तो आपको वो इनवॉइस डिटेल जिसमें कि GSTN नंबर गलत पड़ा हुआ है सप्लायर का, या इनवॉइस नंबर गलत पड़ा हुआ है, या पॉइंट ऑफ सप्लाई गलत पड़ी हुई है, उसको आपको मॉडिफाई न करके रिजेक्ट करना होगा और साथ में सही विवरण वाला इनवॉइस डिटेल आपको एड मिसिंग इनवॉइस के द्वारा अपने GSTR2 में एड करना होगा। जो टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम में है या नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर्स हैं या OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस या एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज जो प्रदान कर रहे हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनको जो है GSTR2 फाइल करने की बाध्यता नहीं है। देखिए मित्रों, जुलाई माह के GSTR2 के फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। आप सबसे निवेदन यह है कि 31 अक्टूबर तक अपना GSTR2 जरूर फाइल कर दीजिए, और जिन मित्रों ने अपने GSTR1 टैक्सपेयर्स ने अभी फाइल नहीं किया है वो GSTR2 के फाइलिंग पीरियड के खत्म होने के बाद ही, जब वो पूरी हो जाएगी उसके बाद ही वो अपना GSTR1 फाइल कर पाएंगे। GSTR2 फाइल करने से संबंधित आप लॉगिन करते हैं, सर्विसेज पोर्ट में जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर और महीना आप सेलेक्ट करते हैं जिसके पीरियड में आपका GSTR2 आप फाइल करते हैं और सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वो GSTR2 की टाइल्स उस महीने के आपके सामने आ जाती है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप इसको, अगर आपके पास सब जो आपको जो डेटा एंटर करना है वो कम है तो आप इसको ऑनलाइन सीधे ही आप इसके पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास जो आपको विवरण देना है वो काफी है, अगर लार्ज जो डीलर्स हैं, लार्ज स्केल डीलर्स जिनके सप्लाई इनवॉइसेस जो कि रिसीट इनवॉइसेस बहुत थाउजेंड्स में होते हैं, उनके लिए समय और धन की बचत करने के लिए, क्योंकि समय भी धन है, बचत करने के लिए ऑफलाइन टूल का ऑप्शन है जिसको मेरे मित्र अभी राजेश कुमार सिंह जी अभी इसका डेमो थोड़ी देर बाद आपके सामने देंगे। बहुत से प्रश्न इस तरह के आए हैं कि सप्लायर टैक्स पेयर ने अभी GSTR1 फाइल नहीं किया और वो जिसने खरीदा है सामान या सेवाएं वो GSTR2 में उसको देख नहीं पाता। तो इसका भी एक रास्ता ये है कि अगर सप्लायर टैक्स पेयर ने अपनी सप्लाई इनवॉइसेस अगर अपलोड नहीं की है तो टैक्स पेयर जो रिसीवर टैक्स पेयर है टू में यूज एड मिसिंग इनवॉइसेस का एक ऑप्शन है जिससे आप आपका सप्लायर जो इनवॉइसेस डिटेल देना भूल गया है या किसी कारणों से नहीं दिए तो वो उनको आप ऐड कर सकते हैं उन सप्लाई डिटेल्स को एड मिसिंग इनवॉइसेस के माध्यम से। साथ ही इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इसमें भूल भी जाते हैं तो भी यह अगले रिटर्न में आपका टू में फिर से उपलब्ध होंगे। आप जो है इसमें एक्शन ले सकते हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसमें चार पॉसिबल एक्शन GSTR2 में ले सकते हैं। हर इनवॉइस जो भी आपके यहाँ डाउनलोड जाती जिसका विवरण आपने चढ़ाया है, या फिर जो आपके GSTR2 से
ऐसे ऑटो पॉपुलेट होकर आप GSTR2 में आप लेते हैं। तो हर हर उसका इन्वॉइस के अगेंस्ट, हर सप्लाई इन्वॉइस के अगेंस्ट आपको चार में से एक एक्शन लेना है। या तो आप उसको स्वीकार करते हैं अगर वो विवरण पूरी तरह से सही है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर वो विवरण में कुछ सुधार की आवश्यकता है, जैसे अगर आप पॉइंट ऑफ सप्लाई GSTI नंबर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इनवाइस नंबर भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, मगर इसके अलावा अगर कोई विवरण है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर टैक्सेबल वैल्यू में अगर कोई विवरण आप मॉडिफाई करें, टैक्स अमाउंट में अगर कोई मॉडिफाई करें, तो ये आपको उपलब्ध है। अगर उसमें GSTI नंबर सप्लायर का गलत पड़ा हुआ है आपके रिसीव इनवाइस पर, तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे और साथ ही आप एड मिसिंग इनवाइस के द्वारा आप उसको एड करेंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए रिटर्न फाइल करते हुए आपके वो जो संबंधित गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो अभी आपने प्राप्त नहीं किए, वो अभी तो या और कोई कारण है, तो आप उन इनवाइसेस के इन तीन एक्शन स्वीकार करना, मॉडिफाई करना या रिजेक्ट करना ना लेकर आप उसको पेंडिंग रखते हैं अगले समय तक। और जब आप इसको पेंडिंग रखते हैं किसी इनवाइस के अगेंस्ट कोई एक्शन कि पेंडिंग आपको मार्क करना पड़ेगा, और साथ में आपको यह देखना पड़ेगा कि वो फिर अगले टैक्स पीरियड के रिटर्न में वो कैरी ओवर होकर आपके पास वो आ जाता है, तब आप उसको बाद में एक्शन लेंगे। अब आप देखते हैं कि आप GSTR2 में क्या कर सकते हैं। आप ये सप्लायर वाइज समरी आप देख सकते हैं सारे इनवाइसेस की सप्लायर वाइज लिंक पर क्लिक करके, और उसमें जैसा कि मैंने बताया कि चार में से एक एक्शन आपको उसमें लेना है। और अगर जो सप्लायर आपको इनवाइस ऐड करना भूल गया है किसी कारणों से, तो आप उन सप्लाई इनवाइसेस को, क्योंकि आपका ITC जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका प्रभावित ना हो, तो आप इस उन इनवाइसेस को जो कि सप्लायर टैक्स पेयर ने ऐड नहीं किया, आप उसको ऐड कर सकते हैं विवरण को अपने GSTR2 में बिजनेस टू बिजनेस डिटेल्स में। जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं सप्लायर के द्वारा अपने GSTR1 में, वो आपको B2B इनवाइसेस में आपको फाइल में GSTR2 में आप देख सकते हैं, वो अपलोडेड बाई सप्लायर के रूप में आप देख सकते हैं। मगर एक बात यहाँ पर यह बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर सप्लायर टैक्स पेयर ने आपको वह सप्लाई तो की इनवाइसेस, टैक्सेबल इनवाइस सप्लाई की है, मगर अपने GSTR1 में वो सबमिट नहीं किया है, तो उसको आप देख तो सकते हैं मगर रिसीवर टैक्स पेयर उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। उस दशा में उसको एड मिसिंग इनवाइस का टैब यूज करके एड करना पड़ेगा इनवाइसेस। इसके अलावा जब इन चार निर्धारित एक्शंस जब आप हर इनवाइस के अगेंस्ट लेते हैं, उसके अलावा जो आपको जो अन्य विवरण हैं अन्य टैब्स में जो कि मैंने पहले डिस्कस किए, वो आपको अन्य टैब्स में डालने हैं। इसके अलावा जो एक अन्य महत्वपूर्ण है विवरण, वो ये है कि उसके बाद जब आप ये इनवाइस से संबंधित डिटेल्स आप डाल देते हैं, तो आपको बाई डिफॉल्ट वो इनपुट के रूप में वो दिखाई देते हैं। आपको हर इनवाइस में जो गुड्स के अगेंस्ट आपको ड्रॉप डाउन वैल्यू से जाकर आपको देखना है कि इनपुट है, कैपिटल गुड्स है, और या फिर ये इनपुट सर्विसेज के श्रेणी में आएगा। साथ ही आपको ये देखना है क्योंकि कई केसेस में ITC जो टैक्स आपने पे किया है ITC उतने निर्धारित मात्रा में नहीं मिलता, क्योंकि या तो उसको वो सामान या सेवाएं ITC के दायरे से बाहर होती हैं, या फिर वो आपने नॉन बिजनेस पर्पस या फिर इसी तरह के किसी और उसमें इस्तेमाल की है, तो आपको उतना ही आपको ये विवरण भी देना होगा कि कितना ITC आपको एडमिसिबल है। तो हर इनवॉइस के अगेंस्ट आपको एडमिसिबल ITC जो कि रूल्स के विभिन्न प्रावधान है उसके अंतर्गत आपको टैक्स पेड के अगेंस्ट वो ऑटो पॉपुलेट होगा जितना आपने टैक्स इनवॉइस पे पॉपुलेट है, मगर जो भी आपके एलिजिबल ITC है वो आपको वहाँ एडिट ऑप्शन अवेलेबल होगा, वो आपको उसमें डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि ये मित्रों ये आपका स्टेटमेंट है, आपको डिक्लेरेशन पर ही आगे बढ़ता है। यहाँ हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप, कई बार ऐसा होता है कि आपने इनवाइसेस देख लिए, चढ़ा दिए, मगर या इसको हम ऑफलाइन टूल पे मगर
रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे पूरे तरीके से, इसके लिए हम अभी बाद में अपने आने चर्चा करेंगे। अब जो हम एरर्स को कैसे, जो इनवाइसेस में एरर्स हैं उसको हम कैसे GSTR2 में कर सकते हैं। कई बार उसमें एरर्स होती हैं, आप बाद में फिर से डाउनलोड करते हैं, और जेसन फाइल्स भी वैलिडेशन चेक्स के लिए उसमें फेल हो जाती है वैलिडेशन चेक में। तो ये सारा हमारे साथ बने रहिए, हम इन सारे चीज उस पर चर्चा करेंगे, सारे ही जितने इश्यूज इस वक्त फाइल पर आ रहे हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण है साथ में वो ये भी है कि राजीव ये जरा मेरा हटा दो ये वाला स्लाइड जो तो जब भी सप्लायर ने आपका फॉर्म GSTR1 में, अगर जैसे कि मैंने बताया कि सेव या सबमिट किया होगा, तभी आपको GSTR2 में वो सप्लाई इनवॉइसेस दिखाई देंगे, और अगर सबमिट नहीं होगा तो आप उस पर एक्शन कोई नहीं ले पाएंगे, वो आपको सेव रिकॉर्ड में ही दिखाई देगा, और सेव रिकॉर्ड होने के उसमें जो रिसीवर टैक्स पेयर है उसको अपना फाइल सेव रिकॉर्ड उसमें उसको ऐड मिसिंग इनवॉइस के द्वारा उसको ऐड करना होगा। अगर सप्लायर फॉरगेट कर जाए, अगर भूल जाए अपलोड करने से इनवॉइस से, तो आपके पास माध्यम आप उसका भी रास्ता है कि आपको जो भी सप्लाई इनवॉइसेस आपने प्राप्त की हैं मगर सप्लायर ने ऐड नहीं किया अपने GSTR1 में, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने GSTR2 में, ताकि आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकें और उसका आप और सप्लायर अपनी लायबिलिटी उन इनवॉइसेस के ऊपर टैक्स लायबिलिटी की दे पाए। ये सप्लायर किस तरह से क्रेडिट लेगा, ऐड मिसिंग इनवॉइसेस में टैब पर ऑप्शन है, तो आप उसको करके उसके अंतर्गत जो आपको आप डिक्लेयर करेंगे कि ये ITC जो ये इनपुट है कैपिटल गुड्स है या क्रेडिट या फिर इनपुट सर्विसेज के श्रेणी में आएगा, और साथ ही उसके अगेंस्ट जो एडमिसिबल ITC है वो आप उसको जो है फिर भी देंगे। तो कई बार आप देखते हैं कि सेव वर्सेस सबमिट इस तरह के क्वेरीज आ रही हैं कि B2B में किस तरह से हो रहा है, अगर सप्लायर ने सबमिट नहीं किया इनवॉइसेस और सिर्फ वो इनवॉइस अपने सप्लाई इनवॉइस के डिटेल सेव किए हैं, तो आपको सेव्ड इनवॉइसेस में दिखाई देगा, सबमिट में नहीं दिखाई देगा, वो सेव्ड रिकॉर्ड करके ही आएगा, उस दशा में आपको वो सबमिट वो उन इनवॉइसेस का डिटेल आपको ऐड करना। वैल्यू कैलकुलेशन जैसे कि मैंने बताया कि आपको गणना करके इनपुट और उस पर इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के जो एडमिसिबल ITC की उसकी आपको विवरण देना होगा। यहां आपको यह सलाह देनी है कि 50 अगर आपके 50-100 इनवॉइसेस हैं महीने के, तब तो आप ऑनलाइन फाइल कर दीजिए इसको, वरना ऑफलाइन टूल का प्रयोग कीजिए। अभी जो ऑफलाइन टूल वर्जन 2 लागू हुआ है 2.1, उसमें वर्जन 2.1 में एक फैसिलिटी जो कि बहुत लार्ज स्केल के टैक्स पेयर्स थे जिनके पास बहुत से सप्लाई इनवॉइसेस जो रिसीट इनवॉइसेस बहुत सारे होते थे, तो उसका ऑटो कैप्चर करने के लिए उसको तैयार करने के लिए जो है उसमें एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑप्शन भी दे दिया गया है। आपको साथ ही आपको ये देखना है कि जब आप किसी भी टाइल पर GSTR2 तैयार करते समय किसी भी टाइल पर आप कितनी भी बार सेव कर सकते हैं और कितनी भी बार उसको आप उसमें विवरण मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, मगर जब आप ये सारी टाइलें सेव करने के बाद जब आप सबमिट कर देते हैं रिटर्न, तो GSTR2 सबमिट जब आपने कर दिया तो उसके बाद वो उसमें जो भी डेटा एंट्री होती है वो फ्रीज हो जाती है
उसके बाद कोई भी फर्दर मॉडिफिकेशन आप उसमें कोई भी नया सुधार, कोई भी नया चेंज, कोई भी नया विवरण आप उसमें नहीं डाल पाएंगे। तो इसीलिए आप बहुत अत्यंत सावधानी रखिए कि आप सबमिट करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा विवरण जो दिया गया विवरण है सही है और पूरा है। जैसा कि मैंने बताया कि तो ऑफलाइन टूल वर्जन 2.1 अभी जारी किया गया है, जो कि डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। ऑफलाइन टूल GSTR2 तैयार करने तथा उसका फाइल करने से संबंधित, इसमें एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा आप उस डेटा को एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ले जा सकते हैं, अपने परचेस रजिस्टर से आप मैच कर सकते हैं, और उसमें आप जो निर्धारित एक्शन है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई और पेंडिंग का, वो भी ऑटो ड्राफ्ट इनवॉइसेस में आप ऑफलाइन टूल में कर सकते हैं। इसके अलावा जो एड मिसिंग इनवॉइसेस है वो भी आप तैयार ऑफलाइन टूल के द्वारा आप कर सकते हैं। मगर इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऑफलाइन टूल जब आप तैयार यूज करें तो उसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि जैसे वो विंडोज, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्जन 7 और उससे ऊपर होना चाहिए। एक्सेल अगर आप यूटिलिटी यूज कर रहे हैं तो एक्सेल 2007 या उससे ऊपर हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप अगर CSV में कर रहे हैं या आप एक्सेल यूटिलिटी में कर रहे हैं तो जो भी टेम्पलेट इसमें प्रोवाइड किया गया है डाउनलोड यूटिलिटी में, उसमें आप अपनी तरफ से किसी प्रकार का चेंज ना करिए, और जो भी आप उसके द्वारा आप डेटा आप ट्रांसफर करते हैं तो वही वो वैलिड होगा। अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हैं या आपके द्वारा यूज किया गया एक्सेल का टेम्पलेट अलग है तो उसमें वैलिडेशन एरर आपको आ सकती है। अगर आपने कोई पुराना वर्जन ऑफलाइन यूटिलिटी का आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए और जो लेटेस्ट वर्जन है 2.1 ऑफलाइन यूटिलिटी GSTR2 से संबंधित, उसको आप इंस्टॉल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने वरिष्ठ साथी मैं राजेश कुमार सिंह जी से कहूंगा कि वो अभी ऑफलाइन यूटिलिटी पर डेमो जो प्रदर्शन करके आपके सामने रिटर्न की तैयारी प्रस्तुत करेंगे।
नमस्कार दोस्तों, तो अब मैं आपको GSTR 2 ऑफलाइन में कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको GSTR 2 जो है ऑफलाइन टूल को डाउनलोड पोर्टल दोस्तों GST पोर्टल पे जाके डाउनलोड सेक्शन के अंदर GST पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में ऑफलाइन टूल के अंदर आपको रिटर्न ऑफलाइन टूल मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करने के बाद आपको ये वर्जन 2.1 डाउनलोड ऑफलाइन टूल दिखाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपने मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, जिसे आप अपने मशीन पे सेव करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि पहले से कोई इंस्टॉल्ड वर्जन है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दें अपने मशीन से और नया वर्जन इंस्टॉल करें। तो जैसे कि मैंने अपने मशीन पे इंस्टॉल कर रखा है वर्जन 2.1, तो उसके आपके इंस्टॉलेशन के बाद आपके मशीन पे एक डेस्कटॉप आइकन बनेगा, जिसे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी आपके मशीन पे। उसके बाद आप GST पोर्टल पे जाके आप अपना यूजर लॉगिन पासवर्ड करेंगे।
जैसे कि मेरे पास एक लॉगिन है, मैं लॉगिन डालता हूँ और पासवर्ड अपना आप डालेंगे और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आप जो है लॉगिन पे क्लिक करने करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपने जीएसटी के पोर्टल पे आ जाएंगे जिसमें आपका पूरा जीएसटी नंबर और अकाउंट दिखेगा। आप रिटर्न टू एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए और उसमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए और फाइनेंशियल पीरियड सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं अगस्त का ले रहा हूँ, इस समय अगस्त का जीएसटीआर 2 मैं भरूंगा। तो अगस्त सेलेक्ट करने के बाद मैं जीएसटीआर 2 पे जाऊंगा। जीएसटीआर 2 में आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रिपेयर ऑफलाइन और एक प्रिपेयर ऑनलाइन है। तो प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके आप वहाँ पे डाउनलोड टैब में जाइए। डाउनलोड टैब में आप जो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं तो उनको केयरफुल्ली पढ़िए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे आपको करना क्या है। तो इसमें आप डाउनलोड करने के लिए आप जनरेट फाइल पे क्लिक करेंगे तो जिससे आपका जीएसटीआर 2 जो है डाउनलोड हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वो जीएसटीआर 2 के अंदर जाने पे मैं आपको बता देता हूं। जीएसटीआर 2 पहले आप उसके लिए जनरेट समरी करेंगे। आप अंदर जाएंगे जीएसटीआर 2 टाइल क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे लास्ट में एक जनरेट जीएसटीआर 2 समरी करेंगे। जीएसटीआर 2 जनरेट समरी करने से जो आपकी सप्लायर द्वारा फिल की गई इनवाइसेज है या आपने पहले इसको डाल रखी है जीएसटीआर 2 में, वो सारी पर्टिकुलर टाइल्स में रिफ्लेक्ट करने लगेंगी। बंद हो गया क्या? तो वो आपके जीएसटीआर 2 के सारे टाइल्स में रिफ्लेक्ट होंगी। उसके बाद आप जीएसटीआर 2 को डाउनलोड कर सकते हैं प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके। प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके आप डाउनलोड टैब में जाएंगे और वहां पे जनरेट फाइल क्लिक करने के बाद आराम से धीरे धीरे जनरेट फाइल क्लिक करेंगे और अगर पहले से आपने जनरेट फाइल कर रखी है तो वो लास्ट डाउनलोडेड फाइल दिखाएगा। अगर आपको अपडेटेड चाहिए तो आप एक बार फिर से क्लिक करेंगे और उस पे से वो 20 मिनट लेगा और आपकी फाइल दोबारा डाउनलोड करने के लिए तैयार रहेगी। तो ये ऑलरेडी मैंने जनरेट कर रखी है फाइल, इसको आप क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे अपने मशीन पे। तो ये आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं इस डाउनलोडेड फाइल को अपने ऑफलाइन टूल में खोलूंगा जीएसटीआर 2 प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड की, कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास अगर लार्ज इनवाइसेज हैं तो जो है मोर देन वन फाइल बनेगी वहाँ पे पोर्टल पे, तो आप वो सारी फाइल डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप ऑफलाइन टूल में कंट्रोल बटन दबा के और सेलेक्ट कर सकते हैं ओपन करने के लिए। तो जैसे अगर मुझे मल्टीपल फाइल मिली हुई है तो मैं उसको ओपन कर सकता हूँ कंट्रोल बटन दबा के और सेलेक्ट करते हुए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक करके फाइल ओपन करके उस पर एक्शन लीजिए और फिर उसका जेसन बना के पोर्टल पे डालिए। तो लेट्स से मैं ओपन करता हूँ ये फाइल। तो ये अपने आप ही ये जीएसटी नंबर वगैरह ले लेगा और फाइनेंशियल ईयर और पीरियड टैक्स पीरियड ले लेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं B2B इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट डेबिट नोट इनवॉइसेस। 10 इनवॉइसेस B2B की हैं और 10 इनवॉइसेस क्रेडिट नोट डेबिट नोट की है। तो आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो टैब दिखाएगा, एक अपलोडेड बाई टैक्स पेयर जो कि मैं एज ए रिसीवर उसको अपलोड किया हूँ एक इनवॉइस, और ये दिखाएगा अपलोडेड बाई सप्लायर। ये हमारे सप्लायर ने जो दूसरे काउंटर पार्टी है हमारी, उसने कुछ इनवाइसेज जो कुछ सप्लायर ने इनवाइसेज सबमिट की हुई है और कुछ ने सेव कर रखी है। तो अगर आप देखेंगे जो सबमिटेड इनवाइसेज है उनके आगे आपको दिख रहा है चेकबॉक्स एनेबल्ड दिख रहे होंगे। ये जो है इनवाइसेज सबमिटेड की गई हैं और फाइल की गई हैं सप्लायर द्वारा, और जिसमें आप देख रहे होंगे कि कोई भी चेकबॉक्स या एक्शन लेने के लिए कोई भी बटन नहीं है। नहीं रहा आपका।
नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। उसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। It is not going. Fine, sir. Continue. मेरे में नहीं आया। आ गया, अब आया। तो इसलिए धीरे बोलो। शायद मेरे ख्याल से तकनीकी खराबी की वजह से आपने पहले देख नहीं पाया कि कैसे मैंने इसको ओपन किया। मैं वापस इसको ओपन करता हूँ। आप जो है होम पेज पे जाएंगे लॉन्च करने के बाद। आप So after launching, जो है आपको एक ये होम पेज दिखेगा टूल का, जिसमें आपको तीन बटन दिख रहे होंगे। एक न्यू बटन है जिसमें से आप अपना GSTR 1 और 2, नया GSTR 1 और 2 क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा बटन जो मिडिल में दिख रहा होगा, ओपन डाउनलोडेड रिटर्न फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, इसमें आप जो है जो पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ GST फाइल GSTR फाइल उसको आप यहाँ ओपन कर सकते हैं और उसमें अपना काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें GSTR 2 कैसे ओपन करेंगे। तीसरा बटन जो है दिया हुआ है, ओपन डाउनलोडेड एयर फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, इसमें जो है अगर जब आप कुछ जेसन अपलोड करते हैं पोर्टल पे और कहीं पे कुछ एरर आ गई, लाइक कोई इनवाइस नंबर गलत हो गया या GST गलत हो गया है या कुछ ओरिजिनल इनवाइस नंबर इनके सब क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं मिला, ऐसा एरर आया, तो वो आप एरर फाइल इसमें ओपन कर सकते हैं पोर्टल से डाउनलोड करके और उसको करेक्ट करके वापस जेसन बना के भेज सकते हैं ऊपर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो GSTR 2 डाउनलोड किया हुआ है उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे टूल में। टूल में तीसरे दूसरे बटन पे जहाँ ओपन लिखा उसको आप क्लिक कीजिए। आप जो है फाइल सेलेक्ट कीजिए, आप एक से ज्यादा भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो डाउनलोड की हुई है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड हेलो क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? आ रही? ओके तो ये मैंने फाइल अपनी ओपन की है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि B2B इनवॉइसेस में आपको दो टैब दिखा रहा है, एक अपलोडेड बाय टैक्सपेयर और दूसरा अपलोडेड बाय सप्लायर। अपलोडेड बाय टैक्सपेयर मतलब कि ये इनवॉइसेस रिसीवर ने ऐड की है जिसका ये लॉगिन है, और अपलोडेड बाय टैक्स सप्लायर मीन्स जो काउंटर पार्टी ने GSTR 1 में फाइल की हुई है या सेव की हुई है वो इनवॉइसेस आपको दिखाएगा। ये तो अपलोडेड बाई सप्लायर टैब में आप देख रहे हैं कि जैसे कि कुछ इनवॉइसेस में चेक बॉक्स दिख रहा है, कुछ में नहीं दिख रहा है। इसमें इसका मतलब ये है कि जिसमें चेक बॉक्स दिख रहा है वो इनवॉइसेस सप्लायर ने सबमिट कर रखी, उस सप्लायर ने अपना GSTR 1 सबमिट कर रखा है और फाइल कर रखा है। जिस इनवॉइसेस में कोई चेक बॉक्स या एक्शन बटन नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि उस सप्लायर ने केवल अपनी इनवॉइसेस जो है पोर्टल पे डाली है और सेव किया है उसको, उसने अपना GSTR 1 फाइल नहीं किया हुआ है। तो आप उस सेव्ड इनवॉइसेस पे कुछ नहीं कर सकते। टूल में आप जिसमें चेकबॉक्स इनेबल्ड है उसमें आप सेलेक्ट करके एक्शन ले सकते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह। तो आप यहाँ पे स्टेटस एक देख रहे होंगे राइट साइड में, सेकेंड लास्ट कॉलम जो दिख रहा होगा आपको स्टेटस,
इसमें आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप के स्टेटस, एन आर एन ए वगैरह। एन मतलब ये इस स्टेटस का मतलब ये है कि ये अभी नो एक्शन टेकन है, मतलब आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है इस पे। आर मतलब मैंने अगर पोर्टल पे कुछ एक्शन ले लिया है या पहले कोई एक्शन ले लिया है, मतलब ये जो है ये इनवॉइस मैंने रिजेक्ट की हुई है, तो ये आर दिखा रहा है आपको। ये मैंने पोर्टल पे एक्शन लिया था रिजेक्ट एक्शन, तो आर आपको दिखा रहा है क्योंकि ये आपने डाउनलोड किए तो उसमें रिजेक्टेड दिखा रहा है। सिमिलरली हमने इस वाले टीसी इनवॉइस पे कोई एक्शन नहीं लिया तो वो नो एक्शन दिखा रहा है। और पांचवी इनवॉइस, चौथी इनवॉइस पे हमने जो है एक्सेप्टेड एक्शन लिया हुआ था पहले से, तो ये ए दिखा रहा है। तो अगर आप जैसे ही कोई एक्शन लेते हैं यहाँ सेलेक्ट करके, मान लीजिए मैं ये पहली इनवॉइस सेलेक्ट करके इस पे एक्सेप्ट कर एक्शन लेता हूं, तो ये इनवॉइस जो है आपकी एक्सेप्टेड में बदल जाएगी, मतलब इस पे आपने एक्सेप्ट एक्शन ले लिया है। अगर आपको कोई इनवॉइस मॉडिफाई करनी है मान लीजिए, तो आप ये पेंसिल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और उसके अंदर जाइए। आपको मान लीजिए कुछ सेंट्रल टैक्स में गलती हो गई है या फिर एसएस अमाउंट या स्टेट टैक्स में कुछ गलती हो गई है, आप इसको चेंज कर सकते हैं और उसके बाद अपडेट कर लेंगे तो ये आपको मॉडिफाइड स्टेटस में दिखाएगा। ये हम स्टेटस दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मॉडिफाइड में आ गई है। तो इस पर आप सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करके एक्सेप्ट रिजेक्ट और पेंडिंग एक्शन ले सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं इनवॉइसेस को। और ये जो आपको अनएडिटेबल इनवॉइसेस दिखा रही है, ये आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहें तो टूल में, तो आप इस पर कोई एक्शन वगैरह नहीं ले सकते हैं। सो सिमिलरली ऐसे B2B सेक्शन में आपको एक्शन टेकन दिखाएगा। तो यहाँ पे भी हमारी पांच इनवॉइसेस हैं जो जीएसटी ने, हमारे सप्लायर ने सबमिट की हुई है और दूसरे सप्लायर ने हमें केवल अपनी इनवॉइसेस सेव कर रखी है लेकिन उसने GSTR 1 फाइल नहीं किया हुआ। तो इसमें भी आप उसी तरह से एक्शन ले सकते हैं जैसे B2B में लिया हुआ था। और आपको भी इसमें भी अपलोडेड बाई टैक्स पेयर और अपलोडेड बाई सप्लायर टैब दिखाएगा। अगर आपने अपनी इनवॉइसेस अपलोड कर रखी तो वो आपकी इनवॉइसेस यहाँ पे आपकी मिसिंग इनवॉइसेस जो है इस टैब में दिखाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी एक्सेल वाली फीचर कैसे काम करती है। इसके लिए हमने जो अभी बटन ये अपनी डाउनलोडेड GSTR 2 ओपन की हुई है इसमें, उसके लिए हम आप पहले व्यू समरी में जाएंगे। आपको व्यू समरी में जाने के बाद एक्सपोर्ट टू एक्सेल बटन दिख रहा होगा आपको एक नीचे, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो इससे जो है आप अपनी जो इनवॉइसेस हैं वो सीधे एक्सेल में ले सकते हैं। इसको आप क्लिक करने के बाद ये फाइल को सेव कर लीजिए। और इसको आप फिर ओपन करके उस पे से डायरेक्टली वो आप काम कर सकते हैं। तो ये जैसे मेरी फाइल सेव हो गई, आप इसमें दो टैब देख सकते हैं, B2B और CDNR। इसमें आपको आपकी जो सारी इनवॉइसेस पोर्टल से आपने डाउनलोड की थी वो आप सबमिटेड अगर है, सबमिटेड मतलब कि जो है इसको सबमिटेड मतलब कि सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल की हुई है और इसलिए ये सारी इनवॉइसेज आपको सबमिटेड में दिख रही है। और सेव्ड जो दिख रहा है आपको, मतलब कि जो सप्लायर है आपका वो जो है उसने इनवॉइसेज तो पोर्टल पे डाल दी है लेकिन उसको
उसने सबमिट या फाइल नहीं किया हुआ है, तो ये इस केस में आपका मतलब GSTR1 फाइल नहीं है सप्लायर का। तो अगर हमें अब सबमिटेड इनवॉइसेस पे एक्शन लेना है तो हम क्या ले सकते हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको लास्ट कॉलम में आपको दिख रहा है एक एक्शन कॉलम दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन दिखा रहा है एक्सेप्ट रिजेक्ट मॉडिफाई पेंडिंग ऐड एंड डिलीट। ऐड एंड डिलीट तो इस सबमिटेड के लिए काम नहीं करेगा, ये हम दूसरे सेव्ड इनवॉइसेस के लिए यूज करेंगे। सो जैसे कि हम पहले इनवॉइस पे एक्सेप्ट का एक्शन ले लेते हैं और दूसरे पे मान लीजिए रिजेक्ट ले लेते हैं, तीसरे का पेंडिंग कर देते हैं और चौथा मान लीजिए मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई के लिए आपने मॉडिफाई एक्शन ले लिया है और यहाँ पे आप जाके कोई तो इसको 200 की जगह 300 कर देते हैं टैक्सेबल वैल्यू, तो ये मॉडिफाई में आएगा। सिमिलरली इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं मान लीजिए ये इनवाइस को, तो ये आपने अपनी सबमिटेड इनवाइस पे एक्शन ले लिया है। मान लीजिए अगर ये मल्टी रेटेड इनवाइस हुई तो आप सारी इनवाइसेस रेट पे सेम एक्शन आएगा, तभी हो जाके वो टोटल इनवाइस पे उस एक्सेप्ट या रिजेक्ट मॉडिफाई और पेंडिंग का स्टेटस जाएगा उस पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी सेव्ड वाली इनवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं। सेव्ड वाली इनवाइसेस को आप इसको इनवाइसेस को आप अपनी मिसिंग इनवाइसेस ऐड कर सकते हैं, तो आपको दोबारा कोई डेटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर दिख रहा है कि आप अपनी ITC क्लेम करना चाहते हैं जो सेव्ड इनवाइसेस हैं, आप इसको ऐड कर लीजिए। ये ड्रॉप डाउन ऐड कॉलम ऐड फीचर जो दिख रहा है, इससे आप जो है आप सारी इनवाइसेस को ऐड कर सकते हैं योर मिसिंग इनवाइसेस। तो दोस्तों ये हमारी सबमिट और सेव्ड स्टेटस के लिए एक्शन कैसे ले सकते हैं। B2B में भी आप देखेंगे, ये तो मैंने CDNR में लिया था, B2B में भी सेम कर सकते हैं। ये जैसे हमने आप बताया था कि हमने पहले इसमें एक्शन ले रखा था जो पोर्टल पे था, तो वो यहाँ पे आया हुआ है जो प्रीवियस स्टेटस है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं हम नो एक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पे कोई एक्शन दिया नहीं गया हुआ है पहले, तो हम इस पे कोई एक्शन ले लेंगे। मान लीजिए इस पे हम एक्सेप्टेड का एक्शन ले लेते हैं, तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगी हमारी। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इनवाइसेस सेव्ड की गई हैं बट फाइल नहीं की गई है, तो इसको आप अपनी मिसिंग इनवाइसेस बना सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे जिसमें कोई सेव्ड और स्टेटस नहीं दिख रहा है, ये इनवाइसेज एक्चुअली मैंने अपनी तरफ से ऐड की हुई है, मेरी मिसिंग इनवाइसेज है जो सेव्ड वाले में भी नहीं है और सबमिटेड वाले में भी नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा कुछ इनवाइसेज देना चाहते हैं जो कि पहले से नहीं ऐड हुई है सप्लायर द्वारा, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई एक्शन सेव्ड वगैरह कोई स्टेटस नहीं दिखाएगा, आप सीधे अपने डिटेल भर दीजिए। जैसे ये हमने भर दिए, कोई डिटेल भर सकते हैं आप और सारी, जैसे मैं दूसरी चीजें सारी कॉपी कर देता हूँ, तो ये मेरी एक मिसिंग हुई जो ना किसी भी सप्लायर द्वारा ऐड नहीं की गई है, तो मैं इस सप्लायर के अगेंस्ट में ये मिसिंग इनवाइसेस अपनी ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली ऐसे आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी कर सकते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में भी आप मिसिंग इनवाइसेस ऐड कर सकते हैं अगर वो पहले से सेव्ड या सबमिटेड नहीं दिखा रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर सप्लायर के लिए
Okay, so इसमें आप देखना है कि कुछ इनवॉइसेस के लिए इसने बोला है कि ये डुप्लीकेट इनवॉइसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से इसमें कुछ जो पहले जो अपना डाउनलोड वाला GSTR2 ओपन किया था तो वो ऑलरेडी इसमें है, तो इसलिए इसने ऐसा दिखाया है कि ये पहले से इसमें ऐड हुई हैं। तो दोबारा जब आप इसको इम्पोर्ट करते हैं तो ये जो है इसको ओवरराइट कर देता है। आइए देखते हैं इसमें क्या एक्शन हुआ है, व्यू समरी करते हैं। देखिए पहले हमारी 11 थी, अभी 12 हो गई है, हमने एक मिसिंग इनवॉइसेस ऐड की हुई है। अंदर जाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी सेव्ड इनवॉइसेस थी, जो हमने सेव्ड एक्सेल में किया हुआ था, आपको मैं दिखाता हूँ ये B2B में, ये सारी जो सेव्ड इनवॉइसेस थी NB10, NB20, NB30, 40 एंड 50, ये आपको दिख रहे होंगे। देखिए अपलोडेड बाय टैक्सपेयर में, ये अब जो आपकी सेव्ड इनवॉइसेस थी अब ये आपके द्वारा अपलोड की गई हुई दिखा रही हैं। पहले ये सप्लायर में भी दिखाएगा, क्योंकि सप्लायर से हम वो इनवॉइसेस डिलीट नहीं कर सकते जाकर, तो ये सप्लायर में पहले दिखाती थी, तो ये सप्लायर में से आके आपके टैक्सपेयर में आ गई, अपलोडेड बाई टैक्सपेयर में आ गई हैं। तो ये अब ये इनवॉइसेस आपके द्वारा अपलोड की जाएंगी। अब ये जब डेटा आपके पास सारा आ गया है तो आप इसका आप जेसन बनाएंगे। आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट में भी आप देख लीजिए, जो अपलोडेड बाय टैक्सपेयर थी, अपलोडेड बाय सप्लायर थी पहले, जो सेव्ड इनवॉइसेस, ये जो आप देख रहे होंगे सेव्ड इनवॉइसेस DB40, DB20, क्रेडिट CR50, ये सब सप्लायर के द्वारा डाली गई इनवॉइसेस थी, जो आपने अब अपनी मिसिंग इनवॉइसेस बना दी है। तो टूल में आप देख रहे होंगे ये आपके अपलोडेड बाय टैक्सपेयर में दिखा रहा है, जो कि आपकी ये मिसिंग इनवॉइसेस हो गई है। आप इसके बाद आप इसको व्यू समरी कीजिए, जनरेट फाइल क्लिक करके आप अपना जेसन तैयार कर लीजिए, जेसन को आप सेव कर लीजिए क्लिक करके, और उसको बाद में पोर्टल में लॉगिन करके अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, अब हम अपना GSTR2 नया अपलोड नया कैसे बनाएंगे, जिसमें इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स है और इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हैं, और B2B अनरजिस्टर्ड है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड है, वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको GST से जो आपने जिप फाइल डाउनलोड की है उसमें आपको एक टेम्पलेट दिया गया है, GSTR2 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट न्यू _V1.1.xls। इसके थ्रू आप अपना GSTR2 का डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये GSTR2 एक्सेल ऐसे दिखती है सर दोस्तों, इसमें आपको 11 शीट दिख रही है, जैसे B2B है, B2B UR है, IMPS इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, IMPG इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, CDNR मतलब कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, CDNUR क्रेडिट नोट डेबिट नोट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, एडवांस टैक्स, एडवांस एडजस्टमेंट, एग्जेम्प्टेड, EXMP, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम। राजेश जी एक प्रश्न आया है एजुकेशन समरी कि GSTR2 A के डेटा को हम एक्सेल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेम जैसे अभी आप GSTR2 के डेटा को हम एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप GSTR2 को 2A को आप पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप उसको कैसे ओपन करेंगे, बीच वाला मिडिल बटन जो है यूज करके आप उस .zip फाइल को ओपन कीजिए टूल में, और सिमिलरली उसको जो है, चूंकि ये जो है GSTR2A है तो इसको तो आप केवल व्यू कर सकते हैं, इसमें इसलिए इसमें एक्सेल की फैसिलिटी नहीं दी गई है, ये आप कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते अभी,
लेकिन आप GSTR 2 जो 2A है, 2A जो है वो आपको सेम डेटा 2 में दिखता है, इसलिए आप सीधे आप GSTR 2 वाला जनरेट समरी करके डाउनलोड कर लीजिए और उसके थ्रू ही आप पूरा काम कीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो एक्सेल टेम्पलेट हमने प्रोवाइड की है उसमें मैंने कुछ डेटा डाल रखा है अपना, तो इसमें भी आप अपना जो है मिसिंग इनवॉइसेज ऐड कर सकते हैं, B2B की मिसिंग इनवॉइसेज ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की मिसिंग इनवॉइसेज आप अपनी ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरे सेक्शंस है उसमें आप सारे डेटा भर दीजिए, जैसे B2B अनरजिस्टर्ड है और ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, इन सब के डेटा आप इसमें भर दीजिए और इसको आप पोर्टल पे टूल में न्यू वाले टैब में जाके न्यू वाले टैब में आप देख रहे हैं न्यू वाला टैब, इसमें मैं न्यू वाले टैब में जाके GSTR 2 सेलेक्ट करूंगा ड्रॉप डाउन से, वहाँ पे आप GST नंबर रिसीवर डाल दीजिए और फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए 2017-18। सो डेटा मैंने जो है अगस्त के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, तो मैं अगस्त सेलेक्ट करूँगा टैक्स पीरियड और प्रोसीड करूँगा। अगर आपका कोई पहले से उसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है तो आप उसको डिलीट ऑल कर दें। जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इससे जो है आपके सारे सेक्शन के डेटा डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आप इंपोर्ट फाइल करके जो आपने एक्सेल बना रखी है उसको जो है ये एक्सेल मैंने बना रखी हुई है इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट होने में कुछ 1-2-10 सेकंड का समय लगता है, अगर आपकी कुछ बड़ी फाइल है तो ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ पॉपअप आया है जिसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, जैसे कोई कुछ HSN वगैरह अगर आपका डुप्लीकेट है तो बता देगा कि ये डुप्लीकेट HSN है। कुछ इनवॉइसेज में अगर कुछ गड़बड़ी है जैसे डेट फॉर्मेट वगैरह गलत है तो वो आपको बता देता है। यहाँ पे B2B वगैरह या सारे किसी भी सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो ये आपको आपको पॉपअप में दिखा देता है। तो आप इसके थ्रू आप जाके अपना एक्सेल में वो डेटा प्रॉपर करेक्शन कर सकते हैं और फिर वापस इंपोर्ट कर सकते हैं। आप व्यू समरी में देखेंगे तो जो डेटा मैंने भरा हुआ था कुछ रिजेक्ट हो गए क्योंकि कुछ गड़बड़ियाँ थी हमारे एक्सेल में, हमने जानबूझ के उसमें कुछ डेटा डाल रखा हुआ है गलत डेटा जिससे आपको दिखाई दे कि वो रिजेक्ट हो गई हैं। जैसे कि मैंने कुछ तो कुछ डेटा जो है फ्यूचर डेट का डाल रखा हुआ है, कुछ गलत फॉर्मेट ये डाल रखे हैं उसके कहते हैं जैसे गलत इनवाइस नंबर डाल रखा है आप देख सकते हैं जैसे हैश पर, ये सारी जो है इनवाइसेस वहाँ पे रिजेक्ट हो गई उसने पॉपअप में दिखाया हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सेल दिखाया है कि इसमें से कैसे वो गलत डेटा का पॉपअप देता है, मैसेज देता है। सो इसमें आप देखिए टूल में इसमें व्यू समरी में हमने जितनी भी इनवाइसेज डाली हुई हैं जो वैलिड इनवाइसेज या डेटा थे वो हमारे इस टूल में आ गए हैं, और इसमें आप समरी में देख सकते हैं कि मेरे B2B में 31 इनवाइसेज हैं, B2B UR में 18 हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट 22 है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर वाला भी 22 है। इसी प्रकार से दूसरे भी सेक्शन में हमारे डेटा भरे हुए हैं। तो आप जब उस सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन में देखेंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा भर गया है।
अब इसको आप व्यू समरी करके जनरेट फाइल करके जेसन बना सकते हैं और उस जेसन को आप सेव कर लीजिए। अब हम पोर्टल पे जाके अपना डेटा जो है अपलोड करेंगे। हमने अपना सारा डेटा बना लिया है। मैं एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे जो सिमिलर टू जीएसटी पोर्टल है। मान लीजिए कोई डेटा वैलिडेशन में रिजेक्ट हो जाता है तो टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए? अगर कोई उसका डेटा वैलिडेशन एरर में रिजेक्ट बता रहा है तो कैसे उस एरर को ठीक कर सकता है? पॉसिबल एरर जो है, फिर से आप उसको बताएंगे क्वेश्चन। अगर कोई डेटा ऑफलाइन यूज करते हुए अगर कोई डेटा गलत हमने फाइल कर दिया और वैलिडेशन एरर आ गई तो कैसे हम उस एरर फाइल को देख सकते हैं या फिर उसमें हम क्या एक्शन लेंगे, किस तरह से हम एक्शन ले सकते हैं? कृपया इस का थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। अगर कोई वैलिडेशन एरर आई आपको फाइल इंपोर्ट करते समय तो आपको मैसेज देता है कि कौन सी इनवॉइस नंबर या कौन से रो नंबर पे प्रॉब्लम आई हुई है। कुछ पॉसिबल एरर होती है जिस पे आप सीधे देख के ही पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर जीएसटीन का फॉर्मेट गलत हो गया है, आपका जीएसटीन फॉर्मेट 15 करेक्टर से ज़्यादा हो गया है और इनवाइस में जो एक्सेप्टेड करेक्टर्स है स्लैश और हाइफन के अलावा और अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर जो है उसके अलावा आपने कोई स्पेशल करेक्टर इनवाइसेज में डाल दिए हैं नॉइस नंबर फिल करते हुए, तो उसमें आप एरर पा सकते हैं। या आपने जो प्रिस्क्राइब्ड डेट फॉर्मेट हमने दे रखा है उसके अलावा आप कोई डेट फॉर्मेट डालते हैं तो उसकी थ्रू भी आपको एरर मिल सकता है। और अगर आपने जैसे कुछ और किसी के केस में अगर निगेटिव वैल्यूज नहीं अलाउड है, आपने निगेटिव वैल्यू वगैरह डाल दिया है तो उस केस में भी आपको वो एरर मिल सकता है। अब हम दोस्तों जो हमने डेटा प्रिपेयर किया था एक्सेल वगैरह से उसको हम कैसे अपलोड करेंगे पोर्टल पे वो देखते हैं और वहाँ पे वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा जो आपने एक्शन लिया हुआ है। इसमें 500 से ज्यादा इनवॉइसेस भी कर सकते हैं? हम इस टूल में 500 से ज्यादा इनवॉइसेस भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे जाइए। आपने जिसके लिए भी डेटा प्रिपेयर किया हुआ है उस पर आप उस फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न पीरियड को सेलेक्ट कीजिए। आप जीएसटीआर 2 के प्रिपेयर ऑफलाइन में जाइए और यहाँ पे देखिएगा आपको अपलोड टाइप दिख रहा है, उस पर चूज फाइल करेंगे और जो डेटा आपने बनाया हुआ है उसको आप अपलोड कर देंगे। तो चूज फाइल से आप जो है जो डेटा प्रिपेयर किया हुआ है आपने आप उसको सेलेक्ट कीजिए। ये डेटा मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, इसको हम अपलोड करते हैं।
आपका डेटा अपलोड हो गया है, अगर कोई एरर फाइल आई होगी तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड क्लिक करके। चलिए देखते हैं कि हमारा डेटा क्या रिफ्लेक्ट किया है वहां पे पोर्टल पे। यहाँ पे आप देखेंगे B2B में आपको जो समरी अंदर दिख रही है, इसमें आपको चार सप्लायर दिख रहे हैं, सप्लायर डिटेल, और उसमें नंबर ऑफ इनवाइसेस दिख रही होंगी। सो इसमें आप देखेंगे कि जब आप अंदर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको अपलोडेड बाय सप्लायर और अपलोडेड बाय टैक्सपेयर दिखाएगा। सो टैक्सपेयर और सप्लायर द्वारा अपलोड की गई इनवाइसेस के लिए आप यहां देख सकते हैं। तो जो एक्शन आपने पोर्टल पे लिया होगा वो यहां पे आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा जब आप जेसन अपलोड कर देंगे। तो यहां पे अपलोडेड बाय सप्लायर वाली एक्शन जो आपने ली हुई है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, ये आपको यहां पे दिखेगा स्टेटस में। और आप यहां पे भी इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहे पेंडिंग आपको दिख रही है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके भी एक्शन ले सकते हैं इस पे। तो चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और एक्सेप्ट क्लिक कर दे पे, ये एक्सेप्टेड हो जाएंगी। सिमिलरली इसी तरह B2B में भी आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट में भी आपको सप्लायर वाइज समरी दिख रही होगी, इसमें आपको 11 इनवाइसेस एक के अगेंस्ट में और 3 इनवाइसेस 04 GST के अगेंस्ट में दिख रही है और एक और 19 के अगेंस्ट में दिख रही है। सो ये सप्लायर के अगेंस्ट में नंबर ऑफ इनवाइसेस शो करती है। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये समरी जो है B2B वगैरह में आपको जो दिख रही है वो समरी जो है आपको आपके द्वारा अपलोड की गई इनवाइसेस के लिए दिखेगी, और आपने जिस पे एक्शन लिया है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई उसके लिए दिखेगी, पेंडिंग वाले के लिए नहीं दिखेगी क्योंकि आपने उस पर पेंडिंग अभी कर रखा है, तो वो नंबर काउंट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो आपको 33 दिख रहा है, ये 33 आपको ये सारी इनवाइसेस जैसे अपलोड की गई हैं, आपकी मिसिंग इनवाइसेस 27, 2, 2 और 2 और प्लस अपलोडेड बाय सप्लायर पे जो आपने एक्शन लिया है उसके काउंट दिखाएगा। तो जैसे कि आप इस पे देखेंगे 04 वाले में आपने 3 में इस पे एक्सेप्ट लिया हुआ है तो इसका काउंट दिखा रहा है वो, एक्सेप्ट और मॉडिफाई का दिखाएगा। उसी तरह जो अपलोड की गई है आपके द्वारा मिसिंग इनवाइसेस उसका काउंट वो दिखाएगा। तो ये अपलोडेड बाय टैक्सपेयर में 27 इनवाइसेस हैं इसलिए वो उसका 27 काउंट दिखा रहा है। इसी तरह आपने जो और सेक्शन में डेटा अपलोड किया था न्यू के थ्रू बनाया था उसमें भी आप सारे सेक्शन में देख सकते हैं कि डेटा इंपोर्ट हो गया है। जैसे ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे देखिए, इसमें भी आपने जो डेटा बना के डाला था वो भी इसमें आ गया है इस सेक्शन में। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में भी 26 इनवाइसेस दिख रही हैं आपको, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में भी दिख रही हैं, एग्जम्प्ट सप्लाई पे भी आपने जो डेटा डाला हुआ था वो भी दिख रहा है। और भी सेक्शंस है जैसे एडवांस एडजस्टमेंट और एडवांस पेड और HSN समरी भी जो आपने एक्सेल में डाली थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जब आपका सारा डेटा यहाँ पे आ गया है उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं प्रीव्यू देखने के बाद। यहाँ से आप प्रीव्यू इसको देख सकते हैं कि आपकी कितनी सारी इनवाइसेज आ गई हैं। PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी जो सारे डेटा है वो इसमें समरी में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सेल में आपको की समरी दिखेगी PDF फाइल में।
उसके बाद प्रीव्यू देखने के बाद आप अगर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। आप सबमिट क्लिक करके फाइल GSTR 2 को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका फाइनल स्टेप होगा फाइल करने का। आप उसके बाद सबमिट करने के बाद फाइल बटन इनेबल हो जाएगा, जिसमें आप उस पर क्लिक करके आप DSC और EVC के थ्रू उसको आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपको डेटा वेरीफाई करना है GSTR 2 का तो आप वापस जाइए, रिटर्न वीडियो सेलेक्ट कीजिए और वहां से आप डाउनलोड करके रिपेयर ऑफलाइन से वापस आप इसको एक्सेल में खोल के देख सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने जनरेट फाइल किया, इसको डाउनलोड कर लिया, और अगर आप इसको टूल में वापस तीसरे बटन से ओपन करेंगे तो आपको ये सारी जो आपने जो वहां पे एक्शन ले रखा है, पहले एक्शन लेके डाल दिया था ऊपर जो पोर्टल पे, उस पर आप देख सकते हैं कि आपको सारी इनवॉइसेस आप यहाँ पे एक्शन टेकन ली गई हुई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने देखिए एक्सेप्ट पेंडिंग रिजेक्ट एक्शन जो हमने ले रखा था वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। साथ में अपलोडेड बाय टैक्स पेयर वाली इनवॉइसेस भी दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब अपलोडेड बाय टैक्स पेयर है। एक चीज और मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब आप इसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करते हैं तो जिन इनवॉइसेस को आपने जो इनवॉइसेस सेव्ड स्टेटस में थी और बाद में उसको आपने ऐड इनवॉइस बना दिया है, तो आपको अब इस एक्सेल में डबल एंट्री उसकी दिखेगी। एक तो सेव्ड वाली दिखेगी और जो आपने सेव्ड वाले को ऐड बना दिया वो वाली इनवॉइसेस भी दिखेगी। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, आपको दो एंट्री दिख रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है इसमें। जैसे कि अब ये जो इनवॉइसेज है 985, ये जो है आपको सेव्ड वाली भी दिख रही है क्योंकि इसको हमने ऐड कर दिया है, ऐड एज ए मिसिंग इनवॉइसेज है। तो आपको यहाँ पे एक 987 और भी दिख रहा है, INB 987, ये जिसमें आपको ही सेव्ड और नो एक्शन दिख रहा नहीं दिख रहा होगा। तो ये इनवॉइसेस डबल टाइम दिख रही है आप लोगों को, इससे घबराने की कोई बात नहीं। ये जो बिना स्टेटस वाली इनवॉइसेस जो दिखा रहा है, इसका मतलब ये इनवॉइसेस अब आपके द्वारा ऐड की गई मानी जाएगी। आप अगर दोबारा कुछ एक्सेप्ट अगर आप पेंडिंग वगैरह पे या रिजेक्ट वाले को आप वापस से एक्सेप्ट करना चाहते हैं जब तक आपने सबमिट नहीं किया हुआ है, तो आप उसका स्टेटस वापस चेंज कर सकते हैं। वापस उसको आप एक्सेप्ट मार सकते हैं जो पेंडिंग वाली इनवॉइसेस हैं अगर अपने अनुसार, और जैसे कोई रिजेक्ट वाली है अगर आपको लगता है कि अरे इसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो आप वापस इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और वापस इसका जेसन बना के आप इसको अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप मिसिंग इनवॉइसेस सीधे आप टूल में भी ऐड कर सकते हैं। अपने टूल में ऐड करने के लिए सीधे, जैसे कि हम पहले GSTR 1 और GSTR 2 में देख चुके हैं, आप सीधे नीचे एक आपको एक रो दिखेगी खाली हुई, उसमें आप सीधे डेटा भर सकते हैं। लेट से मैं एक इनवॉइस ऐड करता हूं, % के अगेंस्ट में कुछ 7,000 रुपए डालता हूं और इसको सेव कर देता हूं। तो ये मेरी मिसिंग इनवॉइसेस ऐड हो गई हैं। इसी तरह आप न्यू वाले एक्सेल को भी मिडिल वाले बटन में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये डेटा ऑलरेडी मैंने इसमें इंपोर्ट किया हुआ है,
तो इसको वापस अगर आप न्यू बनाई हुई एक्सेल है तो सीधे आप इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन आपको व्यू समरी में मिलता है, वो भी आपको मिडिल बटन जो ओपन डाउनलोडेड जीएसटीआर फाइल वाला बटन है उसमें से आप जब आप अपनी ओपन करेंगे डाउनलोडेड जिप फाइल तब आपको ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल बटन व्यू समरी के अंदर में दिखेगा, जहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करने के बाद अपनी इनवॉइसेस पे एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा आपको बता दूं कि सबमिटेड इनवॉइसेस जो दिखा रही है इसका मतलब कि आपके काउंटर पार्टी ने जीएसटीआर 1 फाइल किया हुआ है। दूसरा, अगर वो सेव्ड दिखा रही हैं इसका मतलब कि वो इनवॉइसेस आपके काउंटर पार्टी ने जीएसटीआर 1 में केवल सेव की हुई है, लेकिन उसने अपना जीएसटीआर 1 ना ही सबमिट किया हुआ है ना ही फाइल किया हुआ है। तो आप जो है केवल सबमिटेड वाले पे ही एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई और पेंडिंग एक्शन ले सकते हैं, बाकी सेव्ड इनवॉइसेस पे आप एक्शन नहीं ले सकते। ये ना ही एक्सेल के थ्रू एक्सेप्टेड है, ना ही टूल के थ्रू एक्सेप्टेड है, और ना ही आप पोर्टल पे ऐसा एक्शन ले सकते हैं सेव्ड वाले के लिए। लेकिन आप सेव्ड वाली इनवॉइसेस को अपने मिसिंग इनवॉइसेस बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया कि सेव्ड इनवॉइसेस को मित्रों कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया है, हम जल्दी आप प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ, हम वापिस आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि सेव्ड इनवॉइसेस को आप अपनी मिसिंग इनवॉइसेस की तरह ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हम कैसे जीएसटीआर 2 में अपना टूल में जीएसटीआर 2 का डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उस पे सबमिटेड इनवॉइसेस पे एक्शन ले सकते हैं, कैसे मिसिंग इनवॉइसेस को ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी इसमें कि हम अपना जीएसटीआर 2 कैसे ऑफलाइन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे इसको पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं और इस पे सबमिट करने के बाद इसको फाइल कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को कभी जब अपलोड करते हैं तो जेसन का एरर आता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप बताऊँगा जिससे आप पकड़ सकेंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आई हुई है जेसन की। क्योंकि क्या होता है कि कहीं कहीं पे डेटा कुछ गलत हो जाता है तो वो जेसन का प्रॉब्लम देता है जब आप अपलोड करते हैं पोर्टल में। तो क्या होता है, कभी कभी हमने देखा कि कुछ जहाँ पे जीएसटीएन का फॉर्मेट गलत हो जाता है, मान लीजिए कि ये 15 कैरेक्टर का जीएसटीएन है, उसमें किसी ने 16 कैरेक्टर डाल दिया तो वो जेसन के एक्सेप्ट नहीं करेगा पोर्टल और वहाँ पे जेसन एक्सेप्शन एरर दे देता है। सिमिलरली अगर जीएसटीएन में कोई 15 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर में कहीं बीच में कोई एक गैप आ गया, मान लीजिए ये जैसे मैं आपको एक्सेल में दिखा रहा हूँ कि ये लास्ट वाली रो में जैसे जीएसटीएन है उसमें W और B के बीच में मैंने स्पेस दे दिया तो ये जीएसटीएन गलत होगा और जब आप पोर्टल पे डालेंगे तो आपको जेसन का एरर फेंक देगा। सिमिलरली अगर आगे भी अगर आपने स्पेस दे दिया जीएसटीएन के तो भी ये आपको जेसन का एरर देगा। दूसरा है कि अगर आपने
ये डेट फॉर्मेट जो हमने प्रिस्क्राइब कर रखी है, इसको अगर आपने किसी दूसरे तरीके से दिया, मान लीजिए कि 07/08/2017 दे दिया, तो ये जो है पोर्टल पे एक्सेप्ट नहीं होगा। समझिए दोस्तों, उसी तरह से अगर इसका जो फॉर्मेट है डेट का, वो DDMMMYYYY है। यस, सो डेट हाइफन मंथ, थ्री कैरेक्टर ऑफ द मंथ, और उसके बाद ईयर ऑफ द दिस टैक्स पीरियड। सिमिलरली अगर आपने कहीं पे वैल्यू भरते समय तीन डेसिमल डिजिट दे दिया या दो से ज़्यादा दे दिया कहीं पे, तो ये आपको जेसन एरर फेंक दे दिए देगा। जैसे मैंने यह 424.20 लिखा हुआ है, इसको मैं अगर चेंज करके 424.256 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो ये जो है जब आप इसका जेसन बना के पोर्टल पे डालेंगे तो ये है आपको जेसन वैलिडेशन का एरर दे देगा। तो ये सब चीज़ें आप अगर डेटा आप अपना भर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, इस सब चीज़ों से आपको जेसन स्ट्रक्चर का फेलियर का एरर मिलता है। दोस्तों ये तो एक्सेल वाला हो गया। आप अपना GSTR2 जो है CSV के थ्रू भी बना सकते हैं, CSV फाइल भी हमने दे रखी है अपने ZIP डाउनलोडेड फाइल में। यहाँ पे आप सेक्शन वाइज CSV फाइल देख सकते हैं GSTR1 और 2 के लिए। GSTR2 के लिए भी हमने हर सेक्शन की CSV दे रखी है, जिसमें आप डेटा बना सकते हैं और सीधे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं वाया इंपोर्ट फाइल बटन। आप इसको यहाँ डायरेक्टली अपनी डाउनलोडेड वाले में भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें GSTR2 न्यू वाला बनाना चाहें तो उधर वाले पहले वाले न्यू बटन से भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इस बीच एक प्रश्न आया है राजेश जी, एक विनीत अग्रवाल जी ने पूछा है कि अगर हम रिजेक्टेड इनवॉइसेस को ऐड नहीं कर पा रहे हैं और उसमें ऐसा मैसेज आ रहा है कि यह एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में जो रिसीवर टैक्स पेयर है उसको क्या करना चाहिए? स्क्रीन स्टार्ट। सी रिजेक्टेड इनवॉइसेस जो है ये तो सप्लायर, आप रिजेक्टेड इनवॉइसेस मतलब रिजेक्ट एक्शन तभी ले सकते हैं जब सप्लायर द्वारा अपलोड की गई इनवॉइसेस है और जो फाइल हुई GSTR1 में है, तो आप रिजेक्ट उसी इनवॉइस को ही कर सकते हैं। आप कोई सेव्ड इनवॉइस को कोई रिजेक्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। सो इसके लिए आपको उस इनवॉइस को रिजेक्ट करना पड़ेगा और आप उसके बाद आप इसको न्यू इनवॉइस करके ऐड कर सकते हैं। Okay.
तो व्यूअर्स आपने देखा कि राजेश जी ने आपको GHR2 जो ऑफलाइन टूल के थ्रू किस तरह से तैयार किया जाएगा इसके बारे में संबंधित जानकारी आपको दी है। हमें खेद है कि कुछ तकनीकी कारणों से हमारा प्रसारण बीच में थोड़ी देर के लिए रुका और कुछ ऑडियो वीडियो से संबंधित समस्याएं आपको आईं, मगर साथ ही साथ हम धैर्य की आपके प्रशंसा करेंगे कि आप इस बीच हमारे साथ जुड़े रहे। आपकी सुविधा के लिए जो हमने की स्टेप्स हैं फाइलिंग ऑफ GHR2 जो कि ऑफलाइन टूल के थ्रू जब ये कैसे वो प्रिपेयर करेंगे, तो हमने जो उसके विशेष जो स्टेप्स हैं वो सब हमने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये रखे हुए हैं और रिपीट मैं उसको नहीं करूंगा क्योंकि राजेश जी ने अपने प्रस्तुति में इसको कवर किया हुआ है, मगर मैं आपसे ये जरूर अनुरोध करूंगा कि आप इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप निश्चित रूप से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया की साइट है kms.nezd.in, इस पर आप जाकर अगर आप वेबिनार डालेंगे GST सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास GST संबंधित सभी वेबिनार्स के वैल्यूज का टाइटल्स आ जाएंगे। उसमें से आप जिस भी वेबिनार को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप प्रिपरेशन ऑफ GHR2 यूजिंग ऑफलाइन टूल इन हिंदी को आज की तारीख को आप सेलेक्ट करते हैं तो इससे संबंधित आप जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको आप अपने डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसमें सारे जो स्टेप्स हैं की स्टेप्स हमने इसमें अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कवर कर रखे हैं क्योंकि हमारा वेबिनार शुरू हुए लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है, 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है, तो इसमें हमने सारे आपके सहूलियत के लिए जिससे आप अपने समय के अनुसार अपनी सहूलियत के अनुसार इस पावर पॉइंट को डाउनलोड कर सकें। अब मैं निश्चित रूप से जल्दी से मैं उस पर आऊंगा जो कॉमन प्रॉब्लम्स GHR2 फाइलिंग में हो रही है और साथ में हम और राजेश जी मिलकर कुछ क्वेश्चंस जो है व्यूअर्स ने पूछे हैं उसको हम अटेंड करेंगे। साथ में आपको ये देखना होगा दोस्तों कि आपको जो डेट है करेक्ट फॉर्मेट में हो, जैसे इसमें DD MM YY YY का फॉर्मेट नहीं है, इसमें DD MMYY YY का फॉर्मेट है और साथ में इसमें आपको ये देखना होगा। अच्छा, ये कॉपी एंड पेस्ट एरर जैसे कॉमन इश्यूज हमने इसका आंसर टेकअप किया है कि कॉपी एंड पेस्ट एक्सेल ऑप्शन अगर एरर शो कर रहा है तो कैसे होगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक्सेल फॉर्मेट में ये तो टेम्पलेट आप वही यूज कीजिए जो ऑफलाइन यूटिलिटी में हमने दिया हुआ है, उसके साथ ही आप पाएंगे कि FAQ जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं और यूजर मैनुअल उसका भी कंपेंडियम आपको उस ऑफलाइन यूटिलिटी टूल ज़िप फाइल में आपको उपलब्ध होगा। साथ में एक्सेल तथा CSV फाइल जो उसमें टेम्पलेट आपको उपलब्ध होगा। एक्सेल अगर में आप इसके थ्रू आप इंपोर्ट तथा डाटा एक्सपोर्ट करके आप वो करना चाहते हैं तो कृपया ध्यान रखिए कि टेम्पलेट उसी तरह का हो जो कि पूरा वही हो, क्योंकि उसमें कुछ इनबिल्ट वैलिडेशन है टूल के अंदर। अगर वो दूसरा आप कुछ उसमें फॉर्मेट यूज करते हैं एक्सेल का तो फिर उसमें वैलिडेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे आपको GHR2 रिटर्न तैयार करने या उससे फाइल करने में आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं कॉपी कर रहा हूं तो कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूं, तो एक तो आपको पूरा डेटा फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर जो होता है सबसे बाईं तरफ जो सबसे किनारा कॉर्नर उससे लेकर सबसे नीचे की तरफ जो जहां तक भी आपका डेटा है वहां तक आपको पूरा सेलेक्ट करके पेस्ट करना होगा। CSV फाइल जो रिजेक्ट होती है अगर हम एक्सेल या CSV फाइल ऑफलाइन यूज कर रहे हैं तो डेटा रिजेक्शन के कुछ विशेष कारण है। देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा, एक तो इनकरेक्ट डेटा फॉर्मेट जैसे कि मैंने बताया, उसमें जो महीना है महीने का विवरण है वो 3 अल्फाबेट्स में है, जैसे जुलाई को GAUL लिखा गया है, अगर आप इसके बदले 07 यूज करेंगे तो आपको वैलिडेशन एरर आएगी। साथ में जो आपका इनवॉइस का फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंतर्गत ही हो, जिसके अंतर्गत आप मैक्सिमम 16 डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं जो अल्फा न्यूमेरिकल हो और केवल 2 ही स्पेशल करेक्टर इनवॉइस के विवरण के लिए उसमें दिए गए हैं, जैसे कि एक फॉरवर्ड स्लैश है और दूसरा हाइफन है। इसके अलावा अगर आप स्पेशल करेक्टर अगर आप इनवॉइस के विवरण में यूज करते हैं तो वैलिडेशन एरर आपको आ सकती है। जो आपका जो आप GSTN अपना या जो सप्लायर टैक्स पेयर है उसका अगर आप यूज कर रहे हैं
तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए कि वो 15 डिजिट करेक्टर और जो जिस फॉर्मेट में वो दिया गया है उसी तरह से हो, साथ में बीच में कोई भी ब्लैंक ना हो, ना ही कोई स्पेशल करेक्टर बीच में आए। साथ में मित्रों आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो कई बार इस तरह की समस्या आती है कि विवरण GSTN नंबर नहीं मिल पाता, क्योंकि जो आपका सप्लायर है, आप तो कह रहे हैं जैसे कुछ समस्याएं इस तरह की आई कि सप्लाई इनवॉइसेस सप्लायर की शो भी नहीं हो रही और आ भी नहीं रही, तो वो इसके लिए आपका GSTN जो है जो वो है उसका GSTN एक्टिव होना चाहिए, साथ ही आपका भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है GST में वो एक्टिव मोड में होना चाहिए कोई भी आपको कंप्लायंस करने से पहले। डिस्क्रिपेंसी एक ये भी इस तरह की आ रहा है कि जो एक्सपोर्ट से संबंधित पर्टिकुलर हैं जो जो आपके इंपोर्ट में आएंगे तो उस वो उससे संबंधित पर्टिकुलर सप्लायर ने सही ढंग से उसमें अपने GSTR1 में भरे हों और जो डेट ऑफ शिपिंग बिल है वो उसके पहले की ना हो, बिल ऑफ एंट्री के पहले की ना हो। इसमें यह बताया गया है कि कौन कौन सी एंट्रीज किस किस तरह के विवरण रिसीवर द्वारा चेंज किए जा सकते हैं और किस तरह के विवरण चेंज नहीं किए जा सकते, इसको मैंने अपने प्रस्तुति के शुरुआत में मैंने कवर किया है। क्या एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इस तरह का है कि क्या मेरे स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा, क्या मैं ऐड कर सकता हूं नया डेटा जो इंपोर्ट मैंने किया है एक्सेल फाइल एक्सेल के डेटा उसमें मैं यूज कर सकता हूं ऐड कर सकता हूं? हाँ, आप नया इनवॉइस डेटा उसमें ऐड कर सकते हैं। यह पूछा गया है कि कैसे मैं वेरीफाई कर सकता हूं कि मेरी इनवॉइसेस सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं या नहीं हुई हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो रिटर्न डैशबोर्ड पे GSTR2 में जो B2B टाइल है उसमें आपको देखना होगा कि आपके जो नंबर ऑफ इनवॉइसेस जितनी आपने अपलोड की हैं उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो जिसके लिए आपने JSON फाइल आपने ऑफलाइन टूल यूज करते हुए JSON फाइल जो क्रिएट की थी उसमें नंबर आपको मिलाना पड़ेगा कि सक्सेसफुली अपलोड हो गई है या नहीं हुई है। आप B2B फाइल पर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपका वो नंबर आ जाता है अगर वो इनवॉइसेस आपके 500 से कम है। अगर 500 से ज्यादा है तो आपको फिर से वो उसको डाउनलोड करना होगा अपने डेस्कटॉप पर और उसके बाद आप उसका विवरण देख सकते हैं और उस पर तत्संबंधी कार्यवाही कर सकते हैं। जैसे कि आप 500 से ज्यादा अगर आप इनवॉइसेस कर रहे हैं तो इसमें कोई भी आप अगर आपको लगता है कि किसी कोई भी इनवॉइसेस जो जैसे कि सेव में भी आ गई है और आपने अपलोड भी कर दिया है इस तरह का विवरण है तो कोई भी डेटा एंट्री आप उसमें डिलीट भी कर सकते हैं जो कि वांछित ना हो। इनवॉइसेस को ऑफलाइन टूल में कैसे अपडेट किया जाएगा, ये आपको ये साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम नंबर इनवॉइसेस दो बार उसमें ना आए वरना वैलिडेशन एरर में ये चीज आ जाती है। उसमें आपको जो सेव्ड वाला इनवॉइसेस है वो आपको डिलीट करना होगा बाद में अगर आपने उसी संबंधी इनवॉइस को आपने अपलोड कर दिया है। धन्यवाद। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लेना चाहूंगा इसमें। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लेता हूं। ये पूछा गया है कि क्या ऑफलाइन टूल एंड्रॉइड फोन पे काम करता है? जी नहीं, ये अभी आपके डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर ही काम करेगा जिसमें कि सिस्टम रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए, जिसमें कि सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन हो जो प्रेस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से। अभी फोन पर काम नहीं करता है तथा ये मैक तथा एंड्रॉइड पर काम नहीं करता, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए होना चाहिए जैसे कि पहले मैंने बताया। अच्छा, ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑप्शन अभी इसमें रिसेंटली दे दिया गया है, ये आपको जो लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 2.1 उसको आपको डाउनलोड करना होगा। इसके लिए ये डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन आपको GST वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है,
जिसको कि आप लॉगिन किए बगैर भी प्री लॉगिन मोड में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दीप वर्मा जी ने पूछा है कि अगर मेरे सप्लायर ने GSTR1 फाइल नहीं किया है तो मैं उसको कैसे करूंगा। तो दीप वर्मा जी आपके लिए यही है कि अगर आपके सप्लायर ने GSTR1 फाइल नहीं किया है तो आप GSTR2 फाइल करते हुए जो भी आपका रिसीट इनवॉइसेस है उसके डिटेल उसमें एड मिसिंग इनवॉइसेस के टैब को यूज करके आप उसमें डाल सकते हैं और बाद में वेरीफाई होने के बाद उसका क्रेडिट भी आपको उपलब्ध होगा। रामकृष्णन जे पूछते हैं कि रिटर्न 2A में सबमिटेड का क्या मतलब है और क्या सेव्ड और सबमिटेड में क्या फर्क है। देखिए सेव्ड स्टेटस आपका तब दिखाएगा जब आपके सप्लायर ने वो रिटर्न में GSTR1 में GSTR1 स्टेटमेंट को सबमिट नहीं किया है और सिर्फ सेव करके रख दिया है तो वो सेव्ड इनवॉइसेस में आएगा और उस सेव्ड होने की दशा में आपको वो विवरण एड मिसिंग इनवॉइस के द्वारा आपको ऐड करना होगा GSTR2 में। सबमिट होने की दशा में आपको सिर्फ वो प्रिस्क्राइब एक्शन जो 4 में से 1 प्रिस्क्राइब एक्शन आपको लेना है, उसके अलावा आपको डिक्लेयर करना है उसको गुड्स है कि इनपुट सर्विसेज है या फिर इनपुट्स है और साथ में आपको एलिजिबल ITC डिक्लेयर करके आगे प्रोसीड करना है। राकेश राउत जी पूछते हैं कि हाउ टू डाउनलोड GSTR2A इन एक्सेल। तो उसमें जब आप डाउनलोड GSTR2A में आप डाउनलोड करेंगे तो आपको विवरण उपलब्ध होगा, उसको आप एक्सेल में कॉपी कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है डू आई हैव टू रिपोर्ट GSTR2 डाउनलोड समरी में आप जाकर GSTR2 डाउनलोड कर सकते हैं। हरीश तेजावत जी पूछते हैं कि क्या मुझे 0% के इनवॉइसेस भी रिपोर्ट करनी होंगी। तो उसमें आप देखिए GSTR2 स्टेटमेंट में एक विवरण है जहां पर आपको एग्जेम्प्टेड और 0-rated सप्लाई आपको और नॉन GST आइटम भी आपको रिपोर्ट करने हैं, कृपया उस संबंधित विवरण उस थाने में दें। इसकी रावली टी पूछती हैं कि GSTR2 फाइल करते हुए ऑप्शन एलिजिबल फॉर ITC नॉट रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि इन्होंने SEZ से यह मंगाया है। तो इसकी एडिट मोड में खुलेगा, आप इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई हो तो कोई इसमें इश्यू आए आपको तो आप जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिस संपर्क करिए। अगर इनवॉइस डेट ठीक नहीं है, इनवॉइस डेट को आप करेक्ट कर सकते हैं बशर्ते वो उसी महीने की हो, मगर इनवॉइस नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते। परिता नंदू जी के प्रश्न के उत्तर में मैं ये बता रहा हूँ कि इनवॉइस की डेट आप चेंज कर सकते हैं मगर इनवॉइस का नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इनवॉइस डेट चेंज करने के लिए आपको मॉडिफाई एक्शन में जाना पड़ेगा। इज इट नेसेसरी टू मैच इनवॉइसेस एग्जैक्टली इन पैसे, ऐसा जरूरी नहीं है और फिर भी अगर आप पूरे रुपए मूल्य में ही आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इनवॉइसेस। जयदीप संपत जी के प्रश्न के जवाब में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उन्होंने क्या पूछा है कि क्या पैसे में भी इनवॉइसेस मैच करनी है, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर इनवॉइस नंबर सही नहीं है, परिता नंदू जी ने फिर पूछा कि अगर इनवॉइस नंबर सही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो आपको इनवॉइस नंबर सही नहीं है तो आप उसमें कोई एक्शन नहीं ले सकते, आपको इनवॉइस रिजेक्ट करनी होगी, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको रिजेक्ट करके और सही इनवॉइस एड मिसिंग डिटेल के द्वारा आपको एड करनी होगी। अमित अग्रवाल जी पूछते हैं कि इंपोर्ट सर्विसेज जैसे इन्होंने कहीं से ली तो वो ऐड नहीं की गई है अभी एंट्रीज में,
तो आप एड मिसिंग इनवॉइस के द्वारा उसका इनवॉइस आप एड कर सकते हैं अमित जी, न्यू वाले टेम्पलेट को यूज करके। पायल अग्रवाल जी पूछती हैं कि कैसे इनवॉइसेस को कंफर्म किया जाएगा जो कि डाउनलोड कर रहे हैं जीएसटीआर 2 से। आपको पहले जनरेट जीएसटीआर 2 डाउनलोड करना होगा, समरी डाउनलोड करके, और उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब एक्शन, जब आप उस पे एक टिक मार्क है हर इनवॉइस के आगे, आप जब आप उस पर क्लिक करते हैं, उस पर टिक करते हैं, तो वो आगे एडिट का और उसको डिलीट करने का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है, और एक्शन के बटन में आप चारों एक्शन आप वो ले सकते हैं जो प्रिस्क्राइब एक्शन। What to do with the tax? योगेश बजाज जी पूछ रहे हैं कि क्या करना है उस टैक्स का जो हमने RCM में पे किया है। तो RCM में जो आपने पे किया है वो अगर आपको आपकी कर देता थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो आपको निर्धारित उसमें टैब में उसका विवरण आपको देना होगा GSTR 2 के टैब में। तो दो तरह के इसमें टैब हैं, जिसमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों ही कर देता है, उसमें अलग अलग रूप में आपको देनी होगी। जीएसटीआर 2 में मानिक मैती जी ने पूछा है कि जीएसटीआर 2 को सबमिट करने के लिए हमें क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो मैं मानिक जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो जो टैब्स हैं वो बहुत स्पष्ट हैं, और जब आप किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो जीएसटीआर पोर्टल में ही उस वक्त आपके सामने वो आपको हिंट्स आ जाती हैं कि आपको किस चीज से संबंधित इंफॉर्मेशन उस टैब में एंटर करनी है। पूजा नांगरे जी पूछती हैं कि अक्टूबर के बाद क्या ये अनरजिस्टर्ड परचेज, जो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है, क्या उसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी, जो जीएसटी काउंसिल ने जो अभी डिसीजन लिया है विगत कुछ समय में, और जो हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार मार्च तक, जब से ये सूचना लागू हुई है उससे मार्च 2018 तक आपको अनरजिस्टर्ड परचेज को, अभी जो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज है उस पर कर देता अभी डेफर कर दी गई है, टाल दी गई है, मगर जुलाई के महीने में जब आप भरेंगे, अगस्त के महीने में भरेंगे, क्योंकि उस पीरियड में किसी तरह का कोई एग्जेम्पशन नहीं था, तो आपको उसकी एंट्री आपको तत्संबंधित जो पीरियड है उसके रिटर्न में देनी है। एक प्रश्न राजेश जी से मैं करना चाहूंगा, जो हमारे पास राकेश राउत जी ने कहा है कि 7000 इनवॉइसेस हैं, तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, तो राजेश जी इसका जरा थोड़ा सा खुलासा कीजिए। ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल 7000 इनवॉइसेस पे भी काम करता है, अगर आप आपके सिस्टम जो है अच्छा अपग्रेडेड है, जैसे कि विंडोज 8 वगैरह या विंडोज 10, और अगर एक्सेल ऑफलाइन टूल तो 19000 लाइन आइटम। हाँ, ये अगर आप बहुत पुराना सिस्टम यूज कर रहे होंगे तो शायद इसमें काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अच्छे कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम में काम कर रहे हैं और एक्सेल 2007 और 10 और 13 वगैरह यूज करेंगे तो ये अपने आप पे प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। धन्यवाद राजेश जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑफलाइन टूल इसीलिए प्रोवाइड किया गया है, जब आपके पास बहुत सारे इनवॉइसेस डेटा आपको इसमें अपलोड करना होगा, वेरीफाई करना होगा, प्रिस्क्राइब एक्शन लेने होंगे, तो इसमें 19000 तक एक बार के उसमें 19000 तक लाइन आइटम आप इसमें अपलोड कर तैयार करके अपलोड कर सकते हैं। अगर 19000 से ज्यादा आप लाइन आइटम है तो आप इसको एक से ज्यादा बार इस यूटिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आगे का डेटा आपका ऐड होता चला जाएगा उसमें पिछले आपके विवरण में। तो चाहे आपके 70000 इनवॉइसेस हो या 1.5 लाख इनवॉइसेस हो, सप्लाई इनवॉइसेस जो कि आपको उसमें विवरणी में दिखाने हैं, आप ऑफलाइन टूल को जितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये अब अंतिम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि
इम्पोर्ट को श्रीवास हांडे ने जिनने पूछा है कि इम्पोर्ट को GSTR 2 में कैसे अपलोड करेंगे। जी, इम्पोर्ट को GSTR 2 में आपको इसमें बिल ऑफ एंट्री नंबर भी डालना होगा तथा साथ में पोर्ट कोड डालना होगा जो कि डिजिटल है। 7 नंबर का आपको बिल ऑफ एंट्री नंबर और 6 नंबर का पोर्ट कोड आपको इसमें तत्संबंधित विवरण देना होगा और साथ में अन्य विवरण देना होगा, तो आप ये इसको डेटा आपका कैप्चर हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, इसको बड़ा करो। इस श्रृंखला में आज इतना ही और आपके सुझावों और सवालों की हमें प्रतीक्षा रहेगी और अगले बुधवार को या मैं आपको ये एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस ऑफलाइन टूल को आप इस्तेमाल करते हैं तो मित्रों इससे जब जो डाउनलोड आप फाइल करेंगे उसमें इसका मैनुअल तथा FAQs इसमें रेफर है, आप जरूर उसको जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो रीड मी फाइल के अंतर्गत दिए गए उसको आप जरूर पढ़ें ताकि आपको इसको इस्तेमाल करने तथा इससे GSTR 2 तैयार करने के वक्त आपको इस तरह के फाइलिंग में चैलेंजेस ना आए, आपके द्वारा जो रिटर्न हो सुरक्षित और संपूर्ण हो उसमें कंप्लीट डिटेल्स दिए। आज इतना ही मित्रों, और GSTN की तरफ से अपने सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी श्री राजेश कुमार सिंह जी की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ आउटरीच एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग के अपने जो वरिष्ठ श्री राजीव अग्रवाल जी, श्री भगवान पाटिल तथा अपने सहयोगी श्री सतेश्वरन और नीरा टमटा को, और साथ ही जो हमारे सहयोगी जो राजीव शर्मा जी तथा GSTN के सभी वरिष्ठ लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही ये श्रृंखला ये धन्यवाद का क्रम पूरा नहीं होता, NEZT के जो हमारे शिलव राव और प्रभाकर जी और उनके टीम जो है जिनका हमें सतत सहयोग मिलता रहा है इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मित्रों फिर आपसे मुलाकात होगी, आपने बहुत धैर्य से अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।